हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त सुबोध और मैं फिर हाजिर हूँ एक नए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों, आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हम अपनी रोज की लाइफ में कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस यूज करते हैं, जैसे फैन है, फ्रिज है, मोबाइल है, कैमरा है और बहुत सारे। ये सारे अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक करंट से चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट आखिर है क्या। साथ ही इसके दो टाइप्स, एक अल्टरनेट करंट एसी, दूसरा डायरेक्ट करंट डीसी, इनके बारे में भी जान लेंगे। दोस्तों, हम यहाँ किसी बुकिश डेफिनेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड मैनर में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक बात जाननी जरूरी है कि करंट को ट्रैवल करने के लिए किसी कंडक्टर की जरूरत होती है, मेटल कंडक्टर की। जैसे होता है हमारा वायर, वायर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। एटम माने अणु। जब हम किसी भी एलिमेंट को जब हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते करते सबसे लास्ट में जो हमारा पार्टिकल बचता है, उसे कहते हैं एटम। अब ये जो एटम होता है, ये बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड रिवॉल्यूशंस कर रहा होता है। यही एटम का इलेक्ट्रॉन वायर्स में से ट्रैवल करता है और जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन आके वायर में से अपने आप ट्रैवल कैसे करता है, इस बारे में थोड़ा जान लेंगे। दोस्तों, करंट को फ्लो होने के लिए कंडक्टर की जरूरत होती है। कंडक्टर भी मेटल कंडक्टर होना चाहिए। जैसे हमारे वायर्स होते हैं, कॉपर वायर, उसमें से करंट फ्लो होता है। अब ये करंट वायर्स में से ट्रैवल कैसे करता है, ये हम जानेंगे। इस करंट को फ्लो करने के लिए किसी सोर्स की जरूरत होती है। सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे बैटरीज है, सोलर पैनल है, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, इत्यादि। दोस्तों, हर सोर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। जैसे हम अगर हमारे घर के किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड की बात कर ले, जहाँ पे हम किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को लगाते हैं, तो वहाँ पे हम उसको प्लग कर देते हैं। जैसे एग्जांपल, ये बोर्ड है, इसमें ये दो टर्मिनल्स है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। वैसे ही बैटरीज में भी टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, और ऐसे हर सोर्स में टर्मिनल होते हैं। ये होते हैं सर्किट कंप्लीट करने के लिए और इन्हें कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, सिंपली एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। कोई अगर वाटर टैंक है, वाटर टैंक में से कोई हमने टैप दे दिया है, नल दे दिया है, और हम जब वो नल को शुरू करते हैं तो उस वाटर टैंक में से पानी बहना शुरू हो जाता है नीचे की तरफ, या फिर हम कोई बड़े बकेट रख देते हैं तो वो बकेट भरनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस टैंक में जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल है और बकेट जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। मतलब टैंक जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और बकेट जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। उसके कारण हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पानी फ्लो होता है। उसी तरह दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट में भी एक हायर पोटेंशियल है और एक लोअर पोटेंशियल है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जो है वो फ्लो होता है। दोस्तों, ये वायर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इलेक्ट्रिक करंट के दो टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है अल्टरनेट करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। चलिए दोस्तों, पहले हम अल्टरनेट करंट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से जो बिजली आती है, वो होती है अल्टरनेट करंट। ये तकरीबन 240 वोल्ट से 250 वोल्ट तक होती है। दोस्तों, अल्टरनेट करंट इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए क्रिएट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बड़े टर्बाइंस होते हैं, उन टर्बाइंस पे स्टीम फोर्स की जाती है, जिसके कारण टर्बाइंस घूमते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उसके कारण जो वायर्स होते हैं, वायर्स में से इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट मिलती है और उसी के कारण अल्टरनेट करंट जनरेट होता है। दोस्तों, अल्टरनेट करंट में करंट की अल्टरनेट 50-60 साइकिल्स होती है, इसलिए उसे अल्टरनेट करंट कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ इस कॉन्सेप्ट में बड़े बड़े लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअली अल्टरनेट करंट में करंट फ्लो कैसे होता है वायर में से।
तो दोस्तों इसमें बहुत से लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है या फिर ऐसा एक भ्रम है कि जो टर्मिनल होता है वो अल्टरनेट करंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 50 टाइम्स अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव होता है और इसे ही 50 साइकिल्स कहते हैं अल्टरनेट करंट में। लेकिन दोस्तों ये गलत है। एक्चुअली अल्टरनेट करंट में वायर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे 50 टाइम्स होता है, ठीक है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है वायर में, ये ट्रैवल कर रहा है आगे और ये ट्रैवल किया पीछे, तो ये जो हुआ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव करंट को आई से इंडिकेट करता है। तो ये जब आगे जाता है तो पॉजिटिव आए, जब भाई पीछे आता है तो नेगेटिव आए। तो करंट एक्चुअली इस पूरे सर्किट में फ्लो नहीं होता है एसी करंट में, वो वायर में सिर्फ एक पॉइंट से आगे जाता है और फिर पीछे आता है और आगे जाता है और फिर पीछे आता है। इसे कहते हैं अल्टरनेट करंट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे पीछे ऐसी साइकिल्स करता है और वो 50 साइकिल्स एक सेकंड में होती है। इसलिए अल्टरनेट करंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 50 to 60 हर्ट्ज़, कभी 50 साइकिल्स करता है कभी 60 साइकिल्स करता है, इसलिए इसे अल्टरनेट करंट कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसी चीज को जानते हैं सिमुलेशन के द्वारा, चलिए मेरे कंप्यूटर पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अभी अल्टरनेट करंट को एक सिमुलेशन प्रोग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसे कहते हैं फैट, PHET फैट। आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उस वेबसाइट पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे चलाने के लिए प्री रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपके PC में जावा इंस्टॉल होना ज़रूरी है, जावा का GRE पैकेज, और इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है। और दूसरी बात ऐसी है कि आप इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं, सिर्फ जावा होना चाहिए आपके PC में और इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर शुरू करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि हमारा AC करंट जो है वो वर्क कैसे करता है। इस सिमुलेशन प्रोग्राम के द्वारा हमें विजुअलाइज हो जाएगा। ये हमने एक वायर ले लिया, हम एक सर्किट बना रहे हैं अभी। एक वायर ले लिया, इस बल्ब को हम कनेक्ट करेंगे उस सर्किट को ताकि बल्ब जो है शुरू हो। ये हमने AC पावर सप्लाई लगा दिया इसको, अल्टरनेट करंट ये हमने यहाँ से ड्रैग कर लिया, यहाँ से ये हमने इसका वायर लगा लिया। सर्किट हो गया कंप्लीट दोस्तों, यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया और ये जो है बल्ब है ऑन हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे वायर्स है, जैसे कि हम नॉर्मली भी हमारे पास अगर कोई बल्ब होता है तो बल्ब में दो वायर होते हैं उसे सॉकेट में कनेक्ट करने के लिए, वैसे ही ये हमारा जो है AC पावर सप्लाई है, यहाँ से हमने इस बल्ब को कनेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था कि अल्टरनेट करंट में जो है इलेक्ट्रॉन जो है टू और टू फ्रो मोशन में रन करते हैं, मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते हैं, और इसी वजह से दोस्तों इसमें करंट जनरेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये बहुत स्लो मोशन है, उसके कारण जो है ये बल्ब जो है हमें दिख रहा है ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों अल्टरनेट करंट में भी ऐसे ही हमारे घर में जो बल्ब्स होते हैं वो ऑन ऑफ होते हैं, लेकिन ये जो है ये मोशन इतनी फास्ट होती है, ये 50 to 60 हर्ट्ज़ होती है, मतलब ये जो आगे पीछे हो रहा है इलेक्ट्रॉन ये 50 to 60 टाइम एक सेकंड में आगे पीछे होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये इतनी ज़्यादा है कि हमें महसूस नहीं होता है कि हमारे घर के बल्ब शुरू बंद होते हैं। तो ये जो है चीज़ स्किप हो जाती है, लेकिन अल्टरनेट करंट में ऐसी प्रोसेस होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे पीछे रन करता है वायर में। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ये आगे पीछे रन क्यों करते हैं, ऐसा क्या होता है ये अल्टरनेट पावर सप्लाई में, ये अल्टरनेट करंट पावर सप्लाई में कि इलेक्ट्रॉन्स को वो आगे पीछे ढकेलता है। इस बारे में हम अभी थोड़ा जान लेते हैं। एक दूसरा सिमुलेशन प्रोग्राम है मेरे पास जो कि इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जो है क्या गतिविधियाँ होती है, क्या उसमें
प्रोसेस होती है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन आगे पीछे होते हैं, और किस तरह से ये करंट जनरेट किया जाता है उस बारे में हम विजुअलाइज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का एक मिनी मॉडल है, एक सिमुलेशन है। तो हमारे इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो टरबाइन पे स्टीम छोड़ी जाती है, जिसके कारण टरबाइन घूमता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिसके कारण जो है वायर में के इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट मिलती है। और वैसे ही यहाँ पे जो है हम सिमुलेशन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने ये टैप से यहाँ पे अब वाटर ऑन किया, तो ये जो है ये इसे आप टर्बाइन समझ लीजिए, इसके ऊपर एक मैग्नेट लगा हुआ, तो ये जो है ये रोटेट हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है वायर में की जो इलेक्ट्रॉन है इनको मूवमेंट मिल रही है। जैसे यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल जैसे ही ऊपर जाता है वैसे ही वायर में के इलेक्ट्रॉन में हलचल होती है, वो जो इलेक्ट्रॉन से वो मूव करने लगते हैं, और जैसे ही साउथ पोल यहाँ पे आता है तो वायर में के इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलैक्स होते हैं, वो अपनी जो है ओरिजिनल पोजिशन में आ जाते हैं। उसके कारण जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट मिल रही है, जो नॉर्थ पोल है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को पुल मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन पुल हो रहे हैं, और जब साउथ पोल आता है तब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहे हैं। उसी कारण दोस्तों इलेक्ट्रॉन में जो है वो मूवमेंट हो रही है, और ये जो मूवमेंट है वो अल्टरनेट है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक बार सामने जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, फिर सामने जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, तो उसके कारण दोस्तों ये साइकिल जनरेट हो रही है और हमारा अल्टरनेट करंट जो है वो जनरेट हो रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है अल्टरनेट करंट जो है वो क्रिएट किया जाता है और हमारे घरों में भेजा जाता है। तो अल्टरनेट करंट का जो प्रॉफिट जो है वो ऐसा है कि ये जो है वो चीप मेथड से क्रिएट हो जाता है और लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजने के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, मतलब जो है अराउंड द सिटी हम अल्टरनेट करंट को जो है वो भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है वो अल्टरनेट करंट क्रिएट किया जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अल्टरनेट करंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आपको विजुअलाइज हो गया होगा कि अल्टरनेट करंट जो है वो वर्क कैसे करता है। दोस्तों हम यहाँ किसी फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, किसी डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ जो है वो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि इस चीज़ के पीछे जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है, उस चीज़ पर ही हम फोकस करेंगे। दोस्तों चलिए अब हम जो है वो डीसी करंट को समझने की कोशिश करते हैं कि डीसी करंट जो है वो क्या है, उसके सोर्सेस क्या है, वो वर्क कैसे करता है, और वो डिफरेंट कैसे है अल्टरनेट करंट से, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम जानते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डायरेक्ट करंट के बारे में, यानी डीसी करंट के बारे में। दोस्तों डीसी करंट जो होता है वो हमें बैटरी सोलर पैनल में देखने को मिलता है। दोस्तों डीसी करंट को हम स्टोर करके रख सकते हैं बैटरीज में, या इन्वर्टर होता है उसमें डीसी करंट स्टोर होता है, जबकि अल्टरनेट करंट को हम स्टोर करके नहीं रख सकते। यही कारण है दोस्तों कि और एक टाइप है करंट का जो है डीसी करंट। डीसी करंट हमारे मोबाइल में जो बैटरी होती है उसमें डीसी करंट होता है। दोस्तों वही हम डीसी करंट के फ्लो की बात करते हैं, तो डीसी करंट जो होता है वो वायर में पूरा सर्किट कंप्लीट करता है। इसका मतलब जो है अगर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है और सर्किट शुरू होता है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो नेगेटिव से टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो पूरा वायर से घूम के पॉजिटिव टर्मिनल तक आएगा। तो यही होता है दोस्तों डायरेक्ट करंट। तो चलिए दोस्तों इसे हम कंप्यूटर सिमुलेशन के द्वारा समझ लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम डीसी करंट को सिमुलेशन के द्वारा जान लेते हैं कि आखिर डीसी करंट जो है वो फ्लो कैसे करता है वायर में, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो हमारे पास ये सिमुलेशन किट है, हमने ये वायर ले लिया। यहाँ पे अब हमें बैटरी अटैच करना है, क्योंकि बैटरी जो होता है वो जो है डीसी सोर्स है, डायरेक्ट करंट का सोर्स है बैटरी। हमने बैटरी लगा दिया, ये जो है ब्लैक जो दिख रहा है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब ब्लैक जो है वो एनोड है और जो ये जो भाग ये जो पार्ट है ये कैथोड है। यहाँ पे अभी बल्ब लगा देंगे,
सर्किट कंप्लीट। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि वायर में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीसी करंट में कैसे फ्लो हो रहे हैं। डीसी करंट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैथोड से निकल के बल्ब में से गुजर के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है वो डीसी करंट वर्क करता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स वो पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं, और ये प्रोसेस दोस्तों फास्ट होती है। यहाँ पे तो है भी बहुत स्लो है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से फ्लो करते हैं इस बैटरी में से, और ये जो है वो डीसी करंट जनरेट होता है। आशा करता हूँ आपको दोस्तों डीसी करंट का विजुअलाइजेशन हो गया होगा। तो इस तरह से दोस्तों डीसी करंट वायर में से फ्लो करता है। दोस्तों आपको एसी और डीसी करंट समझ में आ गया होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली ये जो वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जो हम फ्लो की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली होता कैसे है। जब हम इमेजिन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वायर में ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और वो एटम्स के बीच में से फ्लो हो रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। वायर जो होता है वो एटम से बना होता है और हर एटम के रिंग में इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक एटम के रिंग से दूसरे एटम के रिंग में जंप होता है। तो ऐसे जंपिंग स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं। ऐसे ही हमने जो अल्टरनेट करंट पढ़ा था, जहाँ पे मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन आगे पीछे होता है, तो एक्चुअली वो एक एटम से एक्साइट होता है, फिर उसी एटम में वापस चले जाता है, फिर उसी एटम से एक्साइट होता है, फिर उसी एटम में वापस चले जाता है। मतलब जब एटम से एक्साइट होता है तो पॉजिटिव आयन होता है, मतलब पॉजिटिव करंट होता है, और जब उसी एटम से वापस चले जाता है अपने पेरेंट एटम में, तो वो नेगेटिव आयन होता है, मतलब नेगेटिव करंट होता है। तो ऐसे 50 साइकल्स चलते हैं। मतलब ये एटम से ये एटम में जाएगा और ये एटम से ये एटम में आएगा, ये वन साइकिल होगी। फिर एक एटम से दूसरे एटम में जाएगा, फिर उसी एटम से वापस आ जाएगा, ये होगी दूसरी साइकिल। ऐसे 50 साइकिल्स एक सेकंड में होते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ मैं आपके इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक कॉन्सेप्ट एसी और डीसी क्लियर कर पाया होगा। दोस्तों हमने किसी फॉर्मूले के बारे में बात नहीं की, किसी डेफिनेशन के बारे में बात नहीं की, हमने दोस्तों एक्चुअली समझा कि कॉन्सेप्ट है क्या, वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे होते हैं वायर में से, यही मुझे एक्चुअली आपको समझाना था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में किसी नए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।